तो साडा चैनल सब्सक्राइब करो, नाल ही दबाओ बेल आइकॉन। कोरोना के चलद पूरी दुनिया च लॉकडाउन से, सब लोग अपने अपने घर च बंद से, पर कहते ने प्यार नो बंद नहीं किया जा सकता। वो किसी भी बार्डर या सीमा का मोहताज नहीं है। कुछ अजिहा ही होया इस खबर के विच। इस शख्स नू वेखो, यह बंगलादेश का रहने वाला है, पर इसनू इश्क हो गया पाकिस्तान की कुड़ी के नाल। पर इस दौरान यह वीडियो चैट से गल्ला करन लग पाए। फिर इन्हू पता लग्या कि इसकी पाकिस्तान च बैठी प्रेमिका का रिश्ता हो गया तो उसका विह कि होर होने वाला है। फिर किसी प्रेमिका ने भी ऑफर दे दी, जेकर तू मेरे मुल्क आ जावे तो मैं उन्हू छड़ के तेरे नाल विह करवा लवांगी। फिर किसी इश्क च अन्ना होया, बिना पासपोर्ट बिना वीजे अपने मुल्क तो तुर पिया। तो सब तो पहला इसने कलकत्ता जाके भारत की सीमा च गलत तरीके नाल एंट्री ली। फिर उतों पहुँच गया अमृतसर। तुहानू दस दिए कि जिस तरीके दे नाल इसने पहला मुल्क पार किया, फिर मुल्क दे विच कई स्टेटा पार कीतियां, फिर पहुँचया पंजाब ते अमृतसर। क्योंकि पंजाब समेत पूरे देश च लॉकडाउन से, आवाजाई भी बंद सी, पर फिर भी इश्क अन्ना से ते इश्क ने अपना रस्ता लभ लिया। पर बार्डर ते जाके जनाब गिर गए ते पुलिस ने इसनू गिरफ्तार कर लिता। तो पता लग्या कि यह तो इश्क च अन्ना होया एक आशक है। हालांकि इस दिया गल्लां च किन्नी सच्चाई है इसका पता भी पुलिस लगा रही है। पर फिलहाल इसका की कहना है तुहानू सुनाने आ, नाल ही तुहानू दिखाने आ पुलिस ने की कार्रवाई की। अमृतसर तो विशाल शर्मा दे नाल सुन सोडी दी नंबर 2 देखो। मैं मास्टर से फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ बांग्लादेश में। यहाँ पर मैं आया, मेरा कज़िन के साथ मेरा शादी भी फिक्स था। तो अचानक 15-20 दिन से दूसरा लड़के के साथ उसका शादी फिक्स हो गया। तो मेरा कज़िन जो है वो बोल रहा है अगर आप पाकिस्तान में आ जाए तो मैं आपको शादी करूँगा, इसलिए मैं वापस जा रहा था। और बांग्लादेश को बिना पासपोर्ट और वीजा के बगैर यहाँ पर आया। और अगर इंडियन जो पुलिस आया उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर वो मुझे इस बार के पासपोर्ट के बगैर यानी वीसा के बगैर जगह देगा तो इंशाल्लाह मैं सामने यानी आइंदा कभी पर वीसा के बगैर यहाँ पर यानी पाकिस्तान जाने का नहीं सोचूंगा। उसका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? ओ सफ़िया, उसका नाम सफ़िया, वो पाकिस्तान कराची में रहने वाले। तो तुम उससे कैसे बात करते हो? ओ मैं वीडियो कॉल से यूँ से बात करता था उसके साथ। तो उसे तो बात चल रहा था लेकिन अचानक उसका शादी फिक्स होने की वजह से वो कहा अगर आप तो आप आ जाइए तो मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो इसलिए मैं रिक्स लेकर इस वायरस की वजह से मेरा पासपोर्ट भी है लेकिन वीसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वीसा के बगैर मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वीसा के बगैर। कितना बगैर मेरा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगर उसको दूसरे के साथ शादी हो जाएगा तो मेरे ज़िंदगी जो है वो भी नामुकम्मल और नाकामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ मैं खो दूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस वायरस की वजह से वायरस के अंदर और लॉकडाउन के अंदर और वीसा के बगैर भी आ रहा हूँ आ गया। ये तो मुझे पता था लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत गलती हो जाएगा अगर उसे मैं नहीं पाऊँगा। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ भी या इससे भी ज़्यादा मेरे ज़िंदगी में जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जी सर, डिमांड का मतलब नहीं समझा। हाँ मैं उसे अगर या इंडियन का जो पुलिस है और BSFI में उससे रिक्वेस्ट है अगर इस बार के लिए मेरे मुझे भी वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त दिया जाएगा तो ज़िंदगी में दूसरा बार मैं ये इसे कभी नहीं करूँगा जब वीसा के बगैर दूसरे मुल्क में जाने का। मिति 31/5 एक ECP वाघा तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसनों पुछगिछ दौरान जिसने दसिया कि उसका नाम नैनमैया उर्फ अब्दुल्ला वासी नासिर व्यापारी गाँव व्यापारी पारा जिला शकीलपुर बंगलादेश का रहने वाला है, जिसको पासपोर्ट के वीजा बारे मांग की थी जो कोई पासपोर्ट का वीजा नहीं दिखा सकया।
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 14 ਮਿਤੀ 31/5/20 ਜੁਰਮ 3 IP Act 14 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੋਫੀਆ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ PCP ਵਰਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦਿਗਧ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਸੱਤ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950। ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97793995956।